हे गाइस, दिस इज करिश्मा एंड यू आर वॉचिंग हाउ टू ब्रिंग आउट। सो गाइस, जैसे मेरी लास्ट वीडियो थी जो बॉडी लोशन पे थी, वो फॉरेस्ट एसेंशियल की थी। फॉरेस्ट एसेंशियल का जो बॉडी लोशन था, आई होप आप सबने उसको यूज़ किया होगा, और जिन्होंने अभी भी यूज़ नहीं किया तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देख सकते हैं। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली मैं इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी आपको कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉरेस्ट एसेंशियल एक इंडियन ब्रांड है एंड इट्स वेरी कॉस्टली, बट या इट्स वेरी इफेक्टिव, इट हैव वेरी इफेक्टिव प्रोडक्ट्स। एंड या गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दी कोल्ड प्रेस्ड बॉडी मसाज ऑयल। सो गाइस, मेरे पास आज इंडियन रोज एंड जरानियम का कोल्ड प्रेस ऑयल है। एंड सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैं आपको ये बताऊंगी कि कोल्ड प्रेस्ड क्यों बोलते हैं हम इस मसाज ऑयल को। इस पूरे मसाज ऑयल को बनाने के लिए हम एक कोल्ड प्रेस्ड प्रोसेस का यूज़ करते हैं, और इसके अंदर सबसे पहले हम जितनी भी सीड्स होती है, एसेंशियल सीड्स जो होती है, उसको क्रश करते हैं। एंड उसको तब तक हम क्रश करते रहते हैं जब तक उसमें से ऑयल नहीं निकलता। एंड इट प्रेसेस कम इन अ रेंज ऑफ साइजेस, फ्रॉम स्मॉल साइजेस फॉर होम यूज टू ह्यूज कमर्शियल प्रेसेस। दिस स्क्रू ग्लाइंड्स एंड क्रशेस द सीड्स अंटिल द ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड। सो गाइस, जो वो जो स्क्रू उस सिलेंडर के अंदर होता है, वो ऑब्वियसली पूरा ग्लाइंड कर देता है पूरी सीड को, और तब तक उसे क्रश करता है जब तक ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं होता। सो बेसिकली ये जितने भी ऑयल होते हैं, इस पूरे कॉम्बिनेशन को मिला के वो कोल्ड प्रेस ऑयल बनता है, और वो मसाज के लिए यूज़ होता है। इनफैक्ट सिर्फ ये एक मसाज के लिए यूज़ नहीं होता, इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। आइए हम ये देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे की इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें हैं। सो गाइस, ऑब्वियसली इसके अंदर जितने भी ये मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, इन सब की अपनी अपनी बेनिफिट्स हैं, इन सब के अपने अपने रोल्स हैं इस पूरे मसाज ऑयल के अंदर। तो इस ऑयल को यूज़ करने से पहले मैं इस सारे की इंग्रेडिएंट्स का आपको बेनिफिट्स बताती हूँ। तो सबसे पहला जो सीसम सीड ऑयल है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, इट प्रिवेंट्स द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, रिपेयरिंग डैमेज स्किन सेल्स, slows down the aging of skin, suitable moisturizer for all skin types, and it is the best oil for massage. It also a very good sunscreen and nutrient content source. So second jo hamara ingredient hai, wheat germ oil. It is a very good source of antioxidants. It is a great face cleanser. It also lowers the cholesterols. It removes skin scars and it has a anti-aging properties. Third hai ashwagandha. As you all know ki ashwagandha is very good for everybody. It's not only used for in increasing the height, but it is also used to heal the joint pains. It also reduces the swelling, helps to promote the relaxation, also improve energy and stamina. It protect the brain cells also. Fourth hai bala root extract. It is used to remove many internal affected problems such as asthma, cold and flu, headache. It also strengthens the body. It's a very energizing content present in this root extract, and it also gives the excellent stimulating effect. Fifth hai hamara rose flower extract. Fights the depression, treats wounds, purify the blood. It also used as a skincare product and also prevents excessive bleeding, prevents the toxicity
एंड रिड्यूसेस स्टमक डिसऑर्डर्स। सिक्स्थ है हमारा विटामिन ई। सो गाइस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द बेनिफिट्स ऑफ द विटामिन ई इन माय लास्ट वीडियो एंड आई होप सो आपको याद होगा। अगर कोई बात नहीं याद नहीं है तो मैं फिर से बता देती हूँ, विटामिन ई के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इट बैलेंसेस द कोलेस्ट्रॉल एंड इट्स ऑल्सो फाइट्स फ्री रेडिकल्स एंड प्रिवेंट्स डिजीज डेवलपमेंट, इट रिपेयर्स द डैमेज स्किन एंड इट ऑल्सो थिकन्स द हेयर। बट इन माई लास्ट वीडियो विच आई हैव टोल्ड यू इन द ऑल अबाउट बॉडी लोशन, उसके अंदर मैंने आपको ब्यूटी वाले टिप्स बताए थे, विटामिन ई के बेनिफिट्स बताए थे उसमें। सो दिस टाइम विटामिन ई के मैंने आपको स्ट्रेस हीलिंग वाले इफेक्ट्स बताए हैं। सेवेंथ इंग्रीडियंट पे जेरानियम फ्लावर ऑयल। इट बैलेंसेज द हारमोन्स, रिड्यूसेज द डिप्रेशन, इम्प्रूव द डेंटल हेल्थ, रिड्यूसेज द ब्लड प्रेशर एंड ऑल्सो इट इम्प्रूव द सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी। How to use it? Warm the oil and massage it all over the body. Leave it for an hour before a bath for maximum absorption of nutrients. So guys, इस oil को सबसे पहले आपको warm करना है, इतना भी warm मत करना, बिल्कुल हल्का warm करना है. So you can apply it on your body. उसको अच्छे से you have to massage it on your body and then leave इट फॉर एन आर, एक घंटे तक आपको उस ऑयल को अपनी बॉडी पे पूरा मसाज तक रखना है। उसके बाद बिफोर द बाथ करना है आपको, नहाने से पहले ये सारी चीज़ें करनी है। इसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ज़्यादा है गाइस, सो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि एक घंटे तक इसको कम से कम आपको अपनी बॉडी पे रखना है नहाने से पहले। बेसिकली गाइस मैंने आपके लिए ये वीडियो क्यों बनाई है, जस्ट बिकॉज अगर हमारे सबके घर पे होते हैं बहुत अलग अलग टाइप्स के ऑयल होते हैं, यूजुअली हम सर्दियों में कोई ऑयल लगाना पसंद करते हैं या फिर ऑब्वियसली हमें लगाना पड़ता है अगर हमें नहीं भी अच्छे लगते, जस्ट लाइक और उनकी यू नो फ्रेगनेंस भी इतनी अच्छी नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे घर पे नारियल का तेल होता है ना, वो आई नो उसकी फ्रेगरेंस ऐसा कुछ उसमें उसकी फ्रेगरेंस में कुछ ऐसी बेकार चीज़ नहीं होती, बट या बहुत लोग नारियल के तेल को पसंद नहीं करते लगाना। दूसरा ऑयल है जैसे कि आप सबको पता होगा सरसों का तेल, जिसको हम ऑब्वियसली बोलते हैं, तो उसकी स्मेल हर किसी को नहीं पसंद आती, ठीक है। सो अगर हम इन सारे बॉडी ऑयल को एक्सट्रैक्ट करें एक साथ और एक अच्छी तरीके से 6-7 इंग्रेडिएंट्स या सीड्स का एक अच्छा सा ऑयल बनता है, तो उस ऑयल को हम कोल्ड प्रेस्ड ऑयल कहते हैं और उसी को एज अ मसाज की तरीके से हम यूज़ करते हैं। दीज हैव दी ग्रेटर क्वांटिटीज एंड क्वालिटीज ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स एज कम्पेयर टू दीज सिंगल सीड ऑयल। एंड ऑब्वियसली गाइज विंटर्स है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऐसे ऑयल्स को, एंड ऑफकोर्स मसाज इज अ वेरी गुड थिंग टू डू इन विंटर्स, दैट इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द स्ट्रेस आउट ऑफ योर बॉडी। गाइज दिस वीडियो एंड्स इट नाउ एंड आई होप आप लोग ज़रूर इस ऑयल को यूज़ करोगे इस विंटर्स में। सो गाइज प्लीज़ कमेंट करो इस वीडियो के नीचे, स्क्रॉल करो एंड देन प्लीज़ कमेंट करो कि आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में। प्लस इफ़ यू हैवन्ट सीन माय लास्ट वीडियो ऑफ फॉर दिस एसेंशियल बॉडी लोशन देन मस्ट गो टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड या इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवन्ट सब्सक्राइब इट। सो बाय, टेक केयर गाइज, सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो।